हाय एवरीवन, वेलकम बैक। BCECB UGAC सीरीज में एक न्यू कॉलेज के ऊपर रिव्यू है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले कि इसके फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती है, और इसका कट ऑफ क्या जाता है, यहाँ पे CSE लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और आपको काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है तो कॉलेज को कहाँ तक, कहाँ कितने नंबर पे रखना चाहिए, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज है ये, 2008 में ऑनरेबल CM नीतीश कुमार के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। गया में लोकेटेड है और 87 एकड़स में इसका कैंपस फैला हुआ है। कॉलेज का आपको ग्लिम्स दिखता होगा, कुछ ऐसा कॉलेज है इनका। और फैसिलिटीज़ में हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, डिजिटल रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बैंक, ये सब आपको मिलेगा। हॉस्टल भी मिलेगा, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, तो बेसिक नीड की सारी फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर है। JEE मेंस आपको देना होगा, उसके बाद 45% आपका होना चाहिए क्लास 12th में। फिर BCECE जो कि UGAC काउंसलिंग है, उसमें बिहार की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके ये कॉलेज आपको मिलेगा। कोर्सेज ऑफर्ड क्या क्या है यहाँ पे, सिविल में 90 सीट है, मैकेनिकल में 60, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 90 सीट है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 120 सीट है। तो CSE यहाँ लेते हैं कैंडिडेट्स, 120 सीट इसमें है CSE में। This is the go-to branch here at this college. फी स्ट्रक्चर की बात करें तो एडमिशन फीस 10 रुपीज है इस कॉलेज में, ट्यूशन फीस 120 रुपीज है, डेवलपमेंट फीस कुछ 2500 है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस आपको दिख रहा होगा फॉर जनरल OBC के लिए 3300 और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 700। 1000 पर मंथ हॉस्टल फीस है और 300 पर मंथ मेस फीस है। आपको फी स्ट्रक्चर देख के ये पता लग गया होगा कि कॉलेज कितना किफ़ायती है, 1000 पर मंथ हॉस्टल फीस और 300 रुपीस पर मंथ मेस चार्ज है इनका। हाईएस्ट अब प्लेसमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लेसमेंट्स आपको दिख रहा होगा इनके टॉप रिक्रूटर्स, और ये है इनका हाईएस्ट पैकेज 25 LPA का, एवरेज 3 से 4 LPA का है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको 5 से 8 LPA का यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है, जो बैच में टॉपर्स हैं उनको 5 से 8 LPA का एवरेज लगता है यहाँ पे। ये 3 से 4 ये कंप्यूटर साइंस का एवरेज है, तो आप पूरे कॉलेज का एवरेज इसको मत मानना, आई एम टेलिंग यू लाउड एंड क्लियर, ये कंप्यूटर साइंस का एवरेज है। दीज आर द कंपनीज दैट विजिट द कैंपस। अब प्लेसमेंट डिटेल्स का ग्राफ आप देख लो, ऐसा कुछ है इनका ग्राफ्स। टॉप जो है वो 20 लाख के ऊपर था 2018 से 22 बैच के लिए, और 2017 में लगभग 14 LPA था टॉप का, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो बोला जाए, और हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका 2019 से 23 बैच का हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 5 LPA का हाईएस्ट था, और 4.5 का, 3 से 4 का इनका एवरेज था 2023 का। तो ये देख लो, 5 LPA हाईएस्ट, यहाँ पे 25 LPA हाईएस्ट, और यहाँ पे 13.75 LPA हाईएस्ट, और एवरेज आपको 3 से 4 के बीच में देखने को मिलेगा। कॉलेज का डिटेल एनालिसिस आई हैव टोल्ड यू, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल सा कॉलेज रिव्यू डिटेल्ड में एकदम मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप बिहार से हो और BCECB काउंसलिंग UGAC में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये चैनल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। आने वाले कुछ वीडियोस में डिटेल में सारे कॉलेजेस, उनके कट ऑफ के बारे डिस्कशन होगा, काउंसलिंग प्रोसीडियर के बारे डिस्कशन होगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, इफ़ यू हैव क्वेरीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, will be more than happy to reply to your queries, and take care guys, bye bye, thank you if you watched till the very end.